नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में, हूं पिनाक त्यागी। देश की बहस में आपका स्वागत है। हमारा शो जहां हम आपके चुने हुए मुद्दों को देश की बहस का विषय बनाते हैं। आज जिन बड़े मुद्दों में से आपने वोटिंग के जरिए देश की बहस का मुद्दा चुना है, उस पर आज बहस करने जा रहे हैं। और आज वोटिंग के जरिए आपने देश की बहस में मुद्दा बनाया है, कोरोना काल में कैसे हो चुनाव। जान है तो जहान है, कोर्ट भी कह रहा है, लेकिन क्या चुनाव आयोग और सरकार मानेगी। 73% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा इसी विषय को बनाया है, तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक दलों के नुमाइंदे होंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार होंगे, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स भी होंगे, उनसे इस पर उनकी राय लेंगे और आपको जानकारी भी देंगे कि आखिर कानून क्या कहता है, नियम कायदे क्या कहते हैं इसको लेकर। जिस रफ्तार से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का जाल फैलता जा रहा है, उसी तरह कोरोना में पाबंदियों के नियम भी सख्त होते जा रहे हैं। दूसरी लहर का दंश देश भूला नहीं है, लिहाजा प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू कराने के निर्देश केंद्र ने सभी राज्यों को दे दिए हैं। मगर बड़ा सवाल चुनाव रैलियों और जनसभाओं के तूफान को लेकर है, जहां हजारों लाखों की भीड़ जुटती है। रात में कर्फ्यू वाली सख्ती दिन में कहीं नजर नहीं आती, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई रैलियों से कोरोना नहीं फैलता है क्या? बिना मास्क के लोग कोरोना की नियमों की धज्जियां उड़ाते साफ नजर आते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन हाँ, यही काम कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी कर ले, उसे कोरोना हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो सवाल यही है कि जब ओमिक्रॉन 19 राज्यों में फैल चुका है, यूरोप के कई देशों की हालत खस्ता है, अमेरिका इससे स्ट्रगल कर रहा है, तो ऐसे में क्या वाकई में चुनाव कराना जरूरी है? रात्रि कर्फ्यू जारी किया गया है। दूसरी लहर के जख्म भरे भी नहीं कि ओमिक्रॉन के आंकड़ों ने तीसरी लहर की घंटी बजा दी। जान है तो जहान है के मंत्र के साथ यूपी समेत देश के 8 राज्यों में मिनी लॉकडाउन यानी नाइट कर्फ्यू का ऐलान हुआ। शादियों से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदियों की बेड़ियां कसी गई, मगर दिन के उजाले में धुआंधार रैलियां जारी हैं। बस इन्हीं तस्वीरों से सवाल उठने लगे कि ऐसे कैसे तीसरी लहर से लड़ाई होगी और क्या 5 राज्यों के चुनाव लायक माहौल है। इसी पर स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग ने अहम बैठक की। केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछा कि बताइए कि आने वाले 3 महीनों के भीतर कोरोना का संक्रमण दर क्या होगा। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि कितना होगा, लेकिन 3 महीनों के भीतर 25% के आसपास संक्रमण फैल सकता है। इसी साल अप्रैल मई में जब दूसरी लहर का तूफान उठा था, तो उस वक्त बंगाल में विधानसभा चुनाव और यूपी में पंचायत चुनाव चल रहे थे और कोरोना विस्फोट से त्राहिमाम मच गया था। लिहाजा अब जनसभाओं और रैलियों में जुट रही भीड़ पर अंकुश लगाना आयोग के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा है। तो ये वुहान से 4 गुना ज्यादा है और डेल्टा से 2 गुना ज्यादा इन्फेक्टिविटी और जो ट्रांसमिसिबिलिटी रेट है हाई है। कोरोना न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में उथल पुथल मचा रहा है। इसकी वजह से 2020 से इस साल अब तक दुनिया के 89 देशों में नेशनल और स्टेट चुनाव टाले जा चुके हैं। इसमें यूरोप के कई देश हैं, तो भारत के पड़ोस में श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी चुनाव कोरोना के चलते टले। अगर दुनिया भर में कोरोना के चलते चुनाव टाले जा सकते हैं, तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो इस वक्त मैं नहीं समझता इलेक्शन कमीशन इस वक्त कोई फैसला बड़ा ले पाएगा। हो सकता है वो कुछ समय तक इसका इंतजार करे। हाँ, अगर वो इलेक्शन टालने के बारे में सोचता है, तो देखिए पिछली जो विधानसभा जो बनी थी उसके पहले ही ये नई विधानसभा को बनना चाहिए। लेकिन अगर चुनाव टलते हैं तो उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि चुनाव जरूरी है या फिर जान। और देश की बहस में हम लगातार मौका देते हैं अपने तमाम दर्शकों को इस शो से जुड़ने का। और आज का सवाल आम जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जनता के बीच से ही आवाज उठी है कि कोरोना के चलते क्या चुनावी रैलियों पर रोक लगनी चाहिए। हाँ या नहीं, आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं। www.newsnationtv.com पर आप अपनी राय के लिए वोटिंग कर सकते हैं। आप न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप, हमारे ट्विटर हैंडल, साथ ही फेसबुक पेज पर भी जाकर अपना जवाब दे सकते हैं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय 9711-0022-66 पर रिकॉर्ड करके या व्हाट्सएप के जरिए भी भेज सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है, कार्यक्रम के दौरान आपकी राय हम शामिल करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त वरिष्ठ पैनल जो है वो जुड़ चुका है। आशुतोष जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, श्यानंद सिंह हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की, गुरदीप सिंह सप्पल हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, और डॉक्टर अजीज खान हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, और हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव हैं निदेशक फोर्टिस अस्पताल से। पहला सवाल श्यानंद सिंह जी मेरा आपसे होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं और ये फैसला लेने का काम जो है ये सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अगर कहें कि मुख्य तौर पर उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, तो
ये कैसी दिक्कत है जो सब पूरी दुनिया इससे दो चार हो रही है। कोरोना के केसेस कितनी तेजी से बढ़ते हैं ये किसी से छिपा नहीं है, WHO भी इसको लेकर आगाह कर चुका है, तो ऐसे में चुनाव क्यों ना टाल दिए जाए। देखिए पिनाज जी, ये एक इनविजिबल टेररिस्ट है और हम मानते हैं कि कोविड को लड़ना, एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जान है तो जहां है, नहीं तो कोई और मायने नहीं रखता है। रही बात इलेक्शंस का, इलेक्शन एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी ज़रूर है, लेकिन इसमें हमें बहुत सोच समझ के आगे कदम उठाना है। आदरणीय प्रधानमंत्री ने हेल्थ सेक्रेटरी से भी विनंती की कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के निर्णय ले कि कैसे क्या आगे बढ़ना है। और हर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल, मैं कहूँगी ये कोई स्पर्धा नहीं है, BJP के रैलीज़ हों या समाजवादी पार्टी के रैलीज़ हों, जहाँ हमारे कार्यकर्ता बहुत ही उत्सुक हैं और उसके साथ साथ एक ऐसा वातावरण और माहौल भी बनता है जहां कार्यकर्ता भारी तादाद में बाहर आते हैं। लेकिन रही बात कि इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए या नहीं, कैंपेन करना चाहिए वर्चुअली या फिज़िकल रूप में, ये सब निर्णय इलेक्शन कमीशन जैसे सबके सामने पेश करती है, हर एक राजनीतिक दल इसका स्वीकार करना ही चाहिए और करेंगे भी। लेकिन आप लोग भी तो इलेक्शन कमीशन के सामने, तमाम दल जो हैं वो इकट्ठा होकर अगर चुनाव आयोग के सामने प्रस्ताव दें, क्यों नहीं एकजुट होकर तमाम दल जो हैं, बात जनता की सेहत से जुड़ी हुई है, बात आम लोगों से जुड़ी हुई है, बात सिस्टम से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं फिर आगे चल के अर्थव्यवस्था और सब चीज़ों से जाके कोरिलेटेड है। हमने दूसरी लहर के हालात को देखा है, तो ऐसे में क्यों तमाम दल आगे नहीं आते हैं, BJP क्यों ये प्रपोजल लेके नहीं आती है, क्यों तमाम पार्टियों को एक लामबद्ध नहीं करती है कि भाई फिलहाल 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए हो सके तो इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। पिनाज जी, ये मुद्दा सिर्फ इलेक्शन पोस्टपोन करने का नहीं है, बहुत सारे पहलू देखने पड़ते हैं और स्वाभाविक रूप ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी या कोई अन्य पार्टी नहीं ले सकती है। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड तो बता सकती है ना आप मुझे, हेल्थ सेक्रेटरी ने स्वयं आज एक नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, उन्होंने कहा है कि सभी को बहुत सावधान रहना पड़ेगा, हमें सभी नॉर्म्स को का पालन करना की पड़ेगा में वो और रही बात वर्चुअल रैलीज की भी चर्चा हो चुकी है, खाली उन्हीं की नहीं सभी के में होता है, पर मैं बता रही हूँ कि मतलब मानने से लोग मानते तो फिर बात ही क्या थी, राजनीतिक दल से नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये कोई स्पर्धा नहीं है कि समाजवादी के पार्टी के रैलीज में ज़्यादा लोग आएँ या भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा, फिलहाल हमें सिर्फ देखना है कि हमारे सेफ्टी पैरामीटर्स को बरकरार रखते हुए इलेक्शन कमीशन के जो नुमाइंदे हैं और जो चलिए गुरदीप सिंह सप्पल जी, आपकी पार्टी का कोई क्लियर स्टैंड है, क्योंकि शायना एनसी जी ने सीख तो दी, प्रधानमंत्री की सीख को भी दोहरा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों उनकी पार्टी वॉलंटियर नहीं करती है कि भाई चुनाव पोस्टपोन कर दिए जाए या रैलियां जो हैं हम एक लीड लेते हैं कि रैलियां नहीं होनी चाहिए, इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश क्यों नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है उसमें? देखिए, देश ने दो लहर देख ली और बहुत नुकसान उठाया है, ना केवल जान का बल्कि रोजगार का, व्यापार का, और लोग आज भी उससे उबरे नहीं है। और दो लहर ने हमको ये सिखाया है कि इस मामले से केवल वैज्ञानिक तरीके से निपटा जा सकता है, जो डेटा है, जो जानकारी है, वो केवल और केवल सरकार के पास ऑथेंटिक आती है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस बार इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर उनको जो भी जानकारी है शेयर करे, और एक बार इलेक्शन कमीशन इस पर कोई भी मत बनाता है तो सारी पार्टीज को बुलाकर, इलेक्शन कमीशन और मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाकर प्रधानमंत्री उनसे शेयर करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला इसको लिया जा सकता है। हम अब जो बिल्कुल स्पष्ट ये कहना चाहते हैं कि अब वैज्ञानिक तरीके से जैसे पहले दो बार लहर में किया गया है, वो तीसरी लहर में नहीं करना चाहिए, देश ने काफी कुछ सीख लिया। तो कांग्रेस पार्टी अगर ये प्रपोजल दे कि भाई इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, आप लोग जाते हैं ना शिकायतें लेकर, अपने सुझाव लेकर, EVM की शिकायत लेकर, सब चीजों की लेकर सभी दल जाते हैं, तो इसको लेकर कोई दल क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास एज अ पार्टी कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो आज की तारीख में हम ये मॉडलिंग मॉडल तैयार कर सकें कि अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में क्या होने वाला है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के पास है, ये जानकारी राज्य सरकारों के पास भी है,
और ये जानकारी सरकारों को लेनी इकट्ठी करनी है और हमारे सामने रखनी है, ये उल्टी धारा नहीं चल सकती। ठीक है, यानी कि पर आप लोग इसके हक में हैं, अगर चुनाव पोस्टपोन होने का फैसला लिया जाता है या प्रस्ताव आता है तो कांग्रेस पार्टी इसके हक में होगी? नहीं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आज की तारीख में, ये अच्छा। ये क्वेश्चन अराइज नहीं करता है क्योंकि ये पहले पहल इलेक्शन कमीशन करे और बताए कि क्या वस्तुस्थिति है। चलिए, यानी गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में है, जिस इलेक्शन कमीशन की सैनिटी पर भरोसा नहीं होता है कई बार, उस इलेक्शन कमीशन आज वही सबसे सर्वोपरि हो गया। डॉक्टर भार्गव, पार्टी जो है वो इतना साइंटिफिक मेथड की बात कर रही है, डिटेल्स की बात कर रही है। एक कमेंट कर दिया, नहीं एक कमेंट कर दिया आपने, उसका जवाब ले लीजिए। जी, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं होता ये गलत बात है। कुछ इंस्टेंसेस होते हैं जहां हम इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई से कभी कभी अपना विरोध दर्ज करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की सेंसिटिविटी के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल ने आज तक ओवरऑल क्वेश्चन नहीं किया है। कभी कभी फैसलों को लेकर विरोध जरूर जताया जाता है जो की पार्टी का हक होता है। चलिए, तो एक बात बताइए कि बंगाल की तर्ज पर क्या यूपी में कांग्रेस जो है वर्चुअल रैली की पहल करती नजर आएगी? किसी को तो इनिशिएटिव देना है ना, किसी को तो बड़े बनना है ना। नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनिशिएटिव पार्टी नहीं ले सकती। देखिए, आज अगर कांग्रेस, अरे ये रैली आप वर्चुअल कर सकते हैं, ये इनिशिएटिव तो पार्टी ले सकती है ना कि भाई ठीक है, हम जो है वो नहीं क्राउड बुलाएंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को नहीं इकट्ठा करेंगे, हम मैराथन का आयोजन नहीं कराएंगे। अरे दोनों से चाइना जी से पूछूंगी, लेकिन मैं कांग्रेस का स्टैंड आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी एज अ पार्टी ये पहल नहीं कर सकती, उसके कारण है। आज हम ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड में, पंजाब में, यूपी में हम रैलियां बंद कर दें और बीजेपी बकायदा रैली करती रहे और हम इलेक्शन उनको गिफ्ट कर दें, क्योंकि इलेक्शन केवल कांग्रेस पार्टी के लिए तो नहीं है, इलेक्शन उन मतदाताओं का भी है जो मतदाता कांग्रेस को या किसी और पार्टी को वोट देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी जो बार बार दम भर रही है अपनी पार्टी में खूब रैलियों में, खूब भीड़ जुटने का, राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर खान, वोटर की जान से ज्यादा प्यारा वोट है जी, ये आपका सवाल है जी। देखिए पिनाक जी, दो तीन बातें हैं। ये जो इस पे बहस छिड़ी हुई है ये वाकई में बड़ा मौजू है। मैं जानना चाह रहा हूं कि माननीय मोदी जी को इसका नाम तय करना चाहिए, माननीय योगी जी को तय करना चाहिए, लेकिन जब रखवाली जो है वो खेत खा रहा है तो सवाल इस बात का तय कौन करेगा? फिर मोदी जी को और योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने सवाल किया कि साहब इलेक्शन टाल देना चाहिए, डिजिटल करना चाहिए। मैं जानना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो रात में कर्फ्यू लगता है 5 बजे, रात में 11 से 5, और दूसरी तरफ दिन में रैलियां हो रही हैं। आप देख रहे हैं ना, कल ये लागू हुआ और उसके बाद दिन में लैपटॉप बांटे गए, लगातार तमाम योगी जी की तमाम रैलियां हुई, अमित शाह जी की तमाम रैलियां हुई, मोदी जी भी कल आ रहे हैं। सवाल इस बात का है कि ये जो चश्मा है ना, ये बदलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अंदर आम आदमी की बेटी की शादी के लिए गेस्ट की लिस्ट पूरी हो जाती है, उसके क्रियाक्रम के लिए गेस्ट की लिस्ट पूरी हो जाती है, लेकिन चुनाव के लिए कोई पाबंदी नहीं है, उसकी रैलियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आशुतोष जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। राहुल जी, आपकी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए सबकी सुन लीजिए, उसके बाद अपनी सुनाइएगा। इसीलिए मैं सबसे एंड में आपके पास आना चाहती हूँ, इनको साइंटिफिक डेटा और जो तमाम डॉक्टरी के डेटा है आप अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि हमारी बातें कितनी समझ में आएंगी लेकिन जब डॉक्टर कहेगा तो शायद बात का वजन अलग होगा। आशुतोष जी, जितने आराम से सबने गेंद जो है राजनीति में बड़प्पन की उम्मीद करना, ये तो हम हाइपोथेटिकल काम कर ही रहे थे क्योंकि वो तो कम ही देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपने तीनों पार्टीज का स्टैंड जो है वो सुन लिया है। क्या वाकई में गेंद जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पाले में है? क्या मौजूदा पार्टी जो है सत्तारूढ़ पार्टी कोई स्टैंड नहीं ले सकती, कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकती? पिनाक, मुझे लगता है कि जो बातें आप कह रही हैं, पहले तो मैं जो राजनीतिक दल के तमाम प्रवक्ता हैं उनसे शुरुआत से मैं माफी मांग देना चाहता हूं, क्योंकि इस देश के अंदर राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता और सरकारें, जितना गैर जिम्मेदाराना रवैया उनका रहा है और दिखाई पड़ रहा है, उतना शायद पहले कभी दिखाई नहीं पड़ा हो। अजीत खान साहब कह रहे थे कि रात में कर्फ्यू लग रहा है और दिन के अंदर लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं और राष्ट्र को कहते हैं सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन आप पिछले एक महीने के सारे फुटेज उठा के देख लीजिए, उसमें देखिए कितनी बार उनके मुंह पे मास्क लगा हुआ है। और ये सवाल सिर्फ प्रधानमंत्री जी का नहीं है, यही हाल राहुल गांधी के रैलियों में होता है, यही हाल अखिलेश यादव की रैलियों में होता है, यही हाल शाह की रैलियों में होता है, यही हाल मायावती के रैलियों में रहता है, और लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। वहां किसी सोशल डिस्टेंसिंग का, किसी तरीके का कोई पालन नहीं हो रहा, वहां लोगों के चेहरे पे मास्क लगाने की कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है। सिर्फ इस बात की होड़ लगी हुई है कैसे ज्यादा से ज्यादा हम भीड़ इकट्ठा कर सके। तो ऐसे समय में, जबकि कोरोना की दो लहर हिंदुस्तान देख चुका है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम सब लोग
हम में से सारे लोग जो मौजूद हैं किसी न किसी सगे संबंधी को हम खो चुके हैं, वैसे में इन तमाम राजनेताओं का जो व्यवहार है निहायत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। कायदे से देश की जनता को इनके ऊपर जनमत संग्रह करके बताना चाहिए था कि आपके हाथ में देश की बागडोर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए थी। आशुतोष जी, लोगों की क्या सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सत्तारूढ़ पार्टी की नहीं बनती? मैं इसमें सत्तारूढ़ पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि राज्य पॉलिटिकल क्लास है इस देश का, ये उसकी हालत है। जाहिर सी बात है अगर आप सरकार के अंदर हैं तो आपको देश का नेतृत्व करना है तो सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन विपक्ष में बैठी हुई पार्टियों की भी उतनी जिम्मेदारी। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यहां लोग इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल तब आता है जब वो इलेक्शन का अनाउंसमेंट करते हैं। इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले तक राज्य के अंदर सरकारें और केंद्र की सरकारें, ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, चाहे रैली हो या रैली ना हो। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आज किसी की शादी में अगर 200 से ज्यादा आदमी इकट्ठा हो जाते हैं, 20 से ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, एक नॉर्म बना हुआ है, तो वहां पे कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जाके उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है और उसको 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 पनिश कर सकता है। क्या एक भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जितनी रैलियां हुई हैं जहां कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या एक भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जाके एक्शन लिया है? क्यों? बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर पिनास के लिए बराबर होना चाहिए तो हम और आप अगर बिना मास्क के अगर गाड़ी में घूम गएंगे तो पुलिस वाला हमको पकड़ कर हमको फाइन कर देगा। ये जो बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं इनके आयोजकों के ऊपर कितने केसेस दर्ज हुए हैं? बिल्कुल चाइना एनसीजी, क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी में हैं, जवाब पहले आपसे लूंगी, लेकिन जिम्मेदारी पंजाब में होने वाली रैलियों की भी है, उत्तराखंड में भी और गोवा में भी, और तमाम लोग जो कहते हैं कि भाई देखिए हमारे यहाँ जो भीड़ आ रही है उससे आप डर गए हैं, समाजवादी पार्टी की भी है, सबसे पूछूंगी। लेकिन डॉक्टर राहुल भार्गव, आप सभी को सुन रहे थे, यहाँ पर ऐसा लगा नहीं कि कोई भी राजनीतिक जो पार्टी के नुमाइंदे हैं वो आम आदमी की जान को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, सबने गोलमोल जवाब दिए हैं, लेकिन खतरा कितना बड़ा है? आपके पास तो तमाम आंकड़े तमाम डेटा मौजूद होंगे, आप ही ने साइंटिफिक तरीके से समझा दीजिए, क्योंकि ये कह रहे थे कि साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है, असेसमेंट करना होगा तब देखेंगे, ये सत्तारूढ़ पार्टी के पास है, सत्तारूढ़ पार्टी के अपने लॉजिक्स थे, तो जरा आप इन्हें फैक्ट्स बता दीजिए। देखिए खतरा बहुत बड़ा है, अब आप खतरा बड़ा क्यों है पहले अपने देश की पर्यावरण समझ लीजिए। जब आपके पास ये खबरें आती हैं और आप कहते हैं कि ये बहुत माइल्ड वेरियंट है, ये माइल्ड सिम्टम वाला वेरियंट कहाँ से आया? ये यूके से स्टडी आई, यूएस से स्टडी आई। यूके में कितने लोग वैक्सीनेटेड हैं? 95% एक डोज, 85% दो डोज और 35-40% तीन डोज। इसराइल में चौथी डोज की बात हो रही है। अब हिंदुस्तान का पर्यावेश देख लीजिए। दूसरी बात, यूएस और यूके में 40-50% बच्चे भी वैक्सीनेट हो गए 4 साल से ऊपर के 18 साल तक। अब हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ जिसमें से 100 करोड़ लोगों को पहली बार टीका लगना था, 60 करोड़ को दो डोज लग गई, 80% को एक डोज लगी और 20% को एक भी डोज नहीं लगी। इसका मतलब आपके पास कितने डोज, कितने लोग हो गए? 30 करोड़ के साथ आपके पास लोग हो गए जो ससेप्टेबल है। इसके साथ में 30 करोड़ बच्चे और जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 60 करोड़ आपके पास ऐसे लोग हो गए जो अभी भी ससेप्टेबल हैं। इसका मतलब उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलता है तो वो हमारे लिए तबाही ला सकता है, क्योंकि वो हमारे सिस्टम को ओवरवेल्म कर देगा। अगर डेल्टा वेरिएंट 6 महीने में आया होता तो शायद इतनी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि हमारे पास बेड होते। अगर यही नंबर एक साथ आ जाए, अब वीके पॉल साहब ने क्या कहा कि 14 लाख केसेस आ सकते हैं यूके की देख के। IIT कानपुर ने क्या कहा कि 2 दिन का डबलिंग टाइम है, 6 लाख केसेस आ सकते हैं। तो क्या इलेक्शन टालने की जगह क्या आप अपनी जो रैलियां हैं उनको नियंत्रित नहीं कर सकते? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जीनोमिक टेस्टिंग। आप कहते हैं हमारे पास ओमिक्रॉन के सिर्फ 400 वेरिएंट, 400 लोग हैं, मैं कहता हूं 4000 होंगे। हमारा जीनोमिक टेस्टिंग कितनी होती है? 0.2%। हमने सितंबर अक्टूबर तक कितने करे? 83,000 सैंपल करे। यूएस ने कितने करे? 8 लाख। यूके ने कितने करे? 6 लाख। 11.3 और 8.6% सैंपल्स को जीनोमिक टेस्टिंग करा, उसके बाद उनको पता चला कि ओमिक्रॉन कितना है जी। 35 लोग गुजरात में वो हैं जो इंटरनेशनल ट्रैवलर नहीं है, जो अपने आप ही स्वहत्ता इस देश में ओमिक्रॉन पैदा हुआ है। इसका मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या जिसमें 78% को एक टीका और 38% को दो टीका लगा है, उसमें ऐसी भीड़ आती है
तो क्या आलम होगा, आपको याद करिए वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद 75% लोगों को 75% इजाफा हुआ था, याद करिएगा 75% इजाफा हुआ था वेस्ट बंगाल के बाद इलेक्शन के बाद कोरोना केसेस में। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये महामारी नहीं थी, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो 1947 में लिखा गया आज वैलिड होगा? इस वैश्विक महामारी में क्या हम बदलाव की बात नहीं कर सकते? क्या हम अपने वोटों के लिए लोगों की कुर्बानी दे सकते हैं? आप सब लोग एक मैसेज क्या दे रहे हैं? देखिए इंपॉर्टेंट इलेक्शन भी नहीं है, रैली भी नहीं है, मैसेजिंग है। जब 2 लाख लोग किसी रैली में आते हैं जो हमारा सर्वोच्च लीडर है, जिसे हम लीडर मानते हैं, तो आम पब्लिक में क्या जाता है कि मास्क की कोई जरूरत नहीं है, आप घूमिए। उसका रिपल इफेक्ट जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये रैलीज सिर्फ रैलीज नहीं है, ये एक मैसेजिंग सिस्टम है कि कोरोना नहीं है, डरिए मत। तो प्लीज ये मैसेज चलिए शाइन एनसी जी, जब देश के प्रधानमंत्री की रैली में, जब देश के गृह मंत्री की रैली में बहुत अहम बातें कही हैं, जब इस तादाद में बिना मास्क के भीड़ जुटती है, उनके रोड शो में भीड़ जुटती है बिना मास्क के और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो फिर क्या मैसेज जा रहा है? बात तो सही कही डॉक्टर राहुल भार्गव ने, जिनके ऊपर जिम्मेदारी निभाते हुए एक एग्जाम्पल सेट करने का दारोमदार है, वही अगर गलत करेंगे तो फिर क्या मैसेज जाएगा? सपल साहब आपके पास भी आऊंगी। देखिए नैतिक जिम्मेदारी तो हम सबकी बनती है, समाज में हर एक नागरिक की बनती है। सिर्फ प्रशासन के ऊपर निर्भर रहना या फिर ये सोचना कि प्रशासन अपना काम करे, इतने बड़े देश में हम सबको भी जिम्मेदार अगर करीना कपूर के ऊपर केस दर्ज हो सकता है तो हमारे नेताओं पर क्यों नहीं? हमेशा कहा कि वो एक प्रधान वो पार्टी कर रही थी, वो पूरी पार्टी पर केस दर्ज हुआ ना। मैं तो सिंपल सा सवाल है कि रूल्स शुड बी सेम फॉर एवरीवन ना, जो आशुतोष जी ने बात की, आपके लिए मेरे लिए नैतिक जिम्मेदारी तो हम निभाते हैं कि नहीं, दैट्स अ चॉइस, बट द रूल्स शुड बी सेम फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली राहुल गांधी की रैली के लिए भी, प्रियंका गांधी की मैराथन के लिए भी, अखिलेश के लिए भी, तो और योगी जी मोदी जी की रैली के लिए भी। आप सुन लीजिए तो मैं बोलूं, नहीं तो आपकी बात सुन रहे हूं। जी बोलिए। मैं सिर्फ संक्षेप में ये कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि वो देश के प्रधान सेवक है, उनके लिए देश सर्वप्रथम, उसके बाद इंडिविजुअल और पार्टी और वो सब चीज। तो जो जिम्मेदारी की आप बात करते हैं वो एक नैतिक जिम्मेदारी नागरिक की भी बनती है, इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द, हेल्थ सेक्रेटरी से उनकी चर्चा हुई है, जो गाइडलाइंस है और जो रिस्ट्रिक्शंस है, वर्चुअल रैलीज करना है, सही मायने में सही नंबर्स करना है, लोगों को मास्क पहनना, ये सब जैसे भार आता है मुझे लगता है हर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल को इसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन और हम नाइट कर्फ्यू लगेगा ये फैसला सरकारें लेती हैं, धारा 144 लगेगी फैसला सरकारें लेती हैं, शादी में कितने लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे इसकी गाइडलाइन सरकारें बनाती हैं, शादियों में आकर पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं, चालान काटते हैं, शादी रुकवा देते हैं, अंत्येष्टि में कितने लोग आएंगे, सारी गाइडलाइंस जो है वो सरकारें डाउनलोड करती हैं। तो रैलियों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है सरकारों के पास, वो सरकार का चश्मा अलग क्यों हो जाता है? और ये बात पंजाब सरकार पर भी लागू होती है, उत्तर प्रदेश सरकार पर भी लागू होती है, उत्तराखंड पर भी, गोवा पर भी और सभी पर। मैं यहाँ पर इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी की बात करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि बात ये हम जैसे लोगों की जान से जुड़ी हुई है। एब्सोल्युटली मैं समझ रही हूँ और मैं मानती हूँ कि जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, ये गाइडलाइंस इलेक्शन कमीशन को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गाइडलाइंस स्वयं पार्टी के तरफ से या एक राजनीतिक दल के तरफ से भारतीय जनता पार्टी या सरकार के पास कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है? आप मुझसे ज्यादा परिपक्व हैं, आप मुझसे ज्यादा जानकारी रखते होंगे, जरा बता दीजिए क्या हमारा संविधान या हमारी सरकार की गाइडलाइंस उन्हें रोकती है कि आप शादी के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं पर रैली के लिए नहीं? कहीं ऐसा कुछ लिखा है क्या जो मुझे नहीं मालूम है? देश के अंदर रूल ऑफ लॉ है, कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे चपरासी हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब बराबर हैं। तो ऐसे में मैं तो एक सवाल करता हूं कि खुद प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं कि भाई सब लोग सतर्कता बरते, सावधानी बरते, और खुद जब वो रैलियां संबोधित करने जाते हैं तो मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। आप देख लीजिए कि उनकी उनके मंच पर कितने लोग इकट्ठा होते हैं, वहां कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता, वो खुद मास्क का इस्तेमाल करते हैं नहीं इस्तेमाल करते, जिन रैलियों को संबोधित करते हैं वहां लाखों लोग होते हैं, उनमें कहां मास्क लगाया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा। तो या तो आप राष्ट्र के नाम संबोधन मत दीजिए, अगर आप राष्ट्र के नाम संबोधन दे रहे हैं तो फिर उसका पालन करिए, क्योंकि बिल्कुल भार्गव जी ने बिल्कुल सही बात कही कि जब देश देखता है कि इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी
इस देश के विपक्ष के नेता अखिलेश यादव, तमाम बड़े बड़े नेता, जब वो लाखों की रैलियां संबोधित करते हैं, मास्क तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, तो फिर आम आदमी ये समझता है ये कोरोना नाम का हवा जानबूझ के खड़ा किया गया, इसमें कोई मतलब नहीं, फिर वो भी पालन नहीं करता। लेकिन ये जो लाखों की रैलियां हो रही हैं, दरअसल ये हिंदुस्तान की करोड़ों की जनता। आशुतोष जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहती हूँ, नहीं एक चीज दर्शकों को भी आप थोड़ा समझाइए कि क्या गाइडलाइंस जो होती हैं, शाइना जी कह रही हैं इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन करे, जब सरकार ये गाइडलाइन जारी कर सकती है कि भाई शादी में 200 आएंगे, तो क्या मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है कि चुनाव की रैली में 200 लोग आएंगे? क्या उसके पास ये गाइडलाइन जारी करने का अधिकार नहीं है? नहीं नहीं पिनाज जी, मुझे लगता है कि साइना एनसी या तो कंफ्यूज कर रही हैं या उनको जानकारी नहीं है, इसलिए क्योंकि जो गाइडलाइन है वो ये गाइडलाइन है 200 से ज्यादा लोग शादियों में इकट्ठा नहीं हो सकते। सीधी सी बात है, अगर मैक्सिमम लिमिट 200 की है, इसका मतलब किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, और जो 200 लोग इकट्ठा होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इकट्ठा होंगे, मास्क पहनते हुए इकट्ठा होंगे, ये नहीं कि वहां पे गलबैया करते हुए लोग घूमते नजर आए, वो नहीं हो सकता है। तो ये वो चीज जो चाहे वो रैली हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई भी गेट टुगेदर हो जी, वो सबके लिए जो गाइडलाइन है वो एक गाइडलाइन होती है। जो इलेक्शन कमीशन करता है वो तब करता है जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है, तब उसके पहले सरकारें जिम्मेदार हैं, और कायदे से जब महामारी स्थिति होती है तो एनडीएमए कानून के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट, एनडीएमए के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं, शाइना जी जवाब दीजिए, जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते, क्योंकि अगर कोरोना फैलता भी है तो सवाल सरकारों से ही उठेंगे, कोई विपक्ष से पूछने नहीं जाएगा कि काम हुआ कि नहीं, विपक्ष उल्टा आपसे पूछेगा। विपक्ष का पाथ, आप ये एक राजनीतिक मुद्दा है क्या? ये नहीं है, ये नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूं कि जैसे आशुतोष जी ने कहा कि ये सब कुछ केंद्र के हाथ में है, राज्य सरकारों के हाथ में, इलेक्शन के वातावरण में पहले देखिए पिनाज जी दो सवाल है, पहले क्या इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं, ये निर्णय सरकार की नहीं है, इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन अपने दायरे में क्या रखती है कि जो इन्फॉर्मेशन आया है हेल्थ सेक्रेटरी से कि क्या केसेस बढ़ने वाले हैं और क्या ज्यादा जनता को ये सवाल आ गया है कि जब महामारी की स्थिति है, एनडीएमए के चेयरपर्सन अगर प्रधानमंत्री है तो फिर वो कुछ सख्त फैसले क्यों नहीं ले सकते, जबकि इस आपदा की स्थिति में उनके पास वो राइट और पावर है कि भाई रैली में भी 200 लोग होंगे, 200 से ज्यादा नहीं होंगे, या रैली आप सभी पार्टी पे एप्लीकेबल होंगे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीजेपी के लिए लेंगे या कांग्रेस के लिए लेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी एंड स्टेट दे विल बी एप्लीकेबल। नहीं, लेकिन ये शाइना जी 4 हफ्ते के लिए इलेक्शन कैंपेन, एब्सोल्युटली दिस इज एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ स्पेस व्हिच इज यूज्ड, रैली कितना बड़ा है उसके हिसाब से कितने लोग होने चाहिए, स्वाभाविक रूप से ये सब तो लागू होगा ही, लेकिन ये कहना कि ये सरकार को घोषित करना, सरकार कुछ बोले उसके बाद आप बनाएंगे बोलेंगे कि ये सरकार ने क्यों किया और इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं किया, इलेक्शन मतलब यानी कि सरकार नहीं इलेक्शन कमीशन करेगा सब कुछ, सरकार मेरे घर के फंक्शन में कितने लोग आएंगे ये तय कर सकती है, सरकार किसी के मातम में कितने लोग जाएंगे ये तय कर सकती है, सरकार हमारे एग्जाम ऑनलाइन होंगे नहीं होंगे ये भी तय कर सकती है, सरकार एग्जाम डिले होंगे कि नहीं होंगे, कॉलेज खुलेंगे कि नहीं ये भी तय कर सकती है, लेकिन सरकार इतनी विवश हो जाती है जब इलेक्शन की रैली में नंबर ऑफ लोग तय करने हो या नंबर ऑफ रैलीज तय करना हो या वो ऑनलाइन हो सकती है कि नहीं ये तय करना हो, तो सरकार बेचारी कुछ नहीं कर पाएगी। जोधपुर से हमारे साथ हमारे एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए, रविंद्र कुमार जी। रविंद्र जी मैम नमस्कार। मैम जैसे मैं सभी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा हूँ, इसमें मैडम मेरे को तो एक चीज लग रही है, देखो अभी क्या है, जैसे हमारा पिछली बार बंगाल में भी चुनाव हुआ था और हमारा उत्तर प्रदेश पंचायत का भी चुनाव हुआ है, उसी सब उन सभी को मद्देनजर रखते हुए जो है हमारे साथ में, जैसे अभी क्या है आधी अधूरी जानकारी है, जैसे अभी सभी को टीका भी लगा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी आधी अधूरी जानकारी है। मेरे ओर से इस सजेशन है कि जितनी भी हमारी ये रैलियां हो रही हैं, ये रैलियों, देखो रैलियां तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन उन सबको ध्यान में रखते हुए जो आधी अधूरी जानकारियां हैं, जैसे गांव में भी पूर्ण जानकारी नहीं है भाई कोविड लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इसका क्या फायदा है, इसका क्या नुकसान है। अच्छा ठीक है जी, चलिए तो आपने अपनी जानकारी दी है यहाँ रविंद्र कुमार ने, और हमारे साथ हमारा तमाम पैनल में अभी एक
खास मेहमान जुड़ गए हैं, जयराम विप्लव हैं, स्पोक्सपर्सन हैं बीजेपी के, हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। जयराम जी, मेरी जानकारी कहती है कि आज आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, उपल साहब भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर खान साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धन्यवाद त्यागी जी। जी डॉक्टर खान, जरा ये बता दीजिए कि अखिलेश तो बार बार ये बहुत गर्व से कहते हैं कि भाई देखिए इतनी भीड़ आ रही है, इतनी भीड़ आ रही है कि योगी मोदी जी डर रहे हैं, दिल्ली में बैठे लोगों को परेशानी हो रही है। भाई इतनी भीड़ बिना मास्क के आ रही है, ये भी तो उन्हें दिख रहा होगा। तो जब वो सरकार से सवाल करेंगे कि कोरोना फैल गया आप कुछ नहीं कर रहे, तो कोरोना फैलाने की थोड़ी जिम्मेदारी तो अखिलेश जी के कंधों पर भी आ जाएगी ना। देखिए पिनाजी, मैं इन पूरे मसले को, इस पूरे डिबेट को दो पार्ट में बांटना चाहूंगा। पहले तो एक रैली की बात करूंगा और दूसरी बात हम और करना चाह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि इतिहास क्यों पढ़ाया जाता, हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जाती, ताकि उससे आदमी नसीहत ले। दो दो बार इतना बड़ा मसला पैदा हुआ, कोरोना किस कदर फैला, लाशें दफनाई नहीं जा सकी, लोगों को छिपाया गया, ऑक्सीजन 800 का ऑक्सीजन 80,000 में बिका, बेड हॉस्पिटल नहीं थे, नहीं मिल पाए लोगों को। हम जानना चाहते हैं कि पहली बात ये चुनावी जीवी जो हैं, कुल मिलाकर के जो बीजेपी के इस समय एंबेसडर हैं, चुनावी एंबेसडर माननीय मोदी जी और योगी जी, इन्होंने इंतजाम क्या क्या किया। मेरे दो तीन सवाल हैं। हम जानना चाहते हैं नीति आयोग की आज ही हेल्थ इंडेक्स में रिपोर्ट आई है कि यूपी हेल्थ सेक्टर में सबसे जीरो है, सबसे खराब स्थिति है आपकी। इतने सारी स्थितियां होने के बाद जरा बताए हमें बीजेपी के इसके प्रवक्ता कि साहब हेल्थ सेक्टर में इन्होंने क्या क्या काम किया। ना ऑक्सीजन पे काम किया, अगले 2 मिनट आपके, आप डिबेट के टॉपिक पे रहिए। हम टॉपिक पे रहेंगे ना, मुझे टॉपिक पे रहिए, आप 2 या 3 मिनट लीजिए। चलिए अब टॉपिक से नहीं हटेंगे, चलिए बोलिए फिर। हम कोरोना पे रहेंगे। हाँ, कोरोना नहीं, कोरोना काल को देखते हुए, ओमिक्रॉन को देखते हुए क्या चुनाव को टाल देना चाहिए, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। चुनाव टाल देना क्या हल है? क्या क्या गारंटी है कि 4 महीने बाद क्या कोरोना बहुत कम हो जाएगा? आपने हेल्थ सेक्टर पे काम नहीं किया, हेल्थ में आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? जिला अस्पताल को आपने नाम दे दिया मेडिकल कॉलेज, उसमें हॉस्पिटल, मुझे मौका दें, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं डाला, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स तक नहीं किए। ये सारे सवाल नहीं खड़े होंगे। पिछली बार 50,000 केस जब उत्तर प्रदेश में आ रहा था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल चले गए, 17 बार प्रधानमंत्री देश के, वो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर लिया जाते हैं। सवाल इस बात का है कि पश्चिम बंगाल में तो अच्छा काम किया था ना ममता दीदी ने, या वहां भी खराब काम हुआ था क्योंकि कोरोना विस्फोट तो वहां भी हो गया था सर। चलिए उत्तर प्रदेश तो 4th नंबर पर इंडेक्स में, लेकिन ममता दीदी तो आपकी अच्छी है, प्यारी है ना। पश्चिम बंगाल में तो अच्छा काम हुआ था ना हेल्थ सेक्टर में, तो वहाँ कोरोना बम क्यों फूटा था? मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं तो कह रही हूँ उत्तर प्रदेश बिल्कुल खराब है, उत्तर प्रदेश ने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया, आपके सारे आरोप सराखों पर। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी तो कोरोना बम फूटा था ना रैलियों के बाद और चुनाव प्रचार के बाद, वहाँ तो अच्छा काम किया था ना ममता दीदी ने, या वो भी खराब काम करती है? पूरी दुनिया बूस्टर डोज की तैयारी कर रही है, सिर्फ आपने वैक्सीनेशन किया है, वो 62% किया है, 62% वैक्सीनेशन है। डॉक्टर अजीज खान, डोज की पूरी दुनिया तैयारी कर रही है। डॉक्टर अजीज खान, 100 करोड़ जब आप टीका लगाते हैं तो उससे ज्यादा कीमत की आप बोर्डिंग लगा देते हैं। डॉक्टर अजीज खान, आपने तो वैक्सीन को भी बीजेपी की वैक्सीन बताकर लेने से इनकार कर दिया था, तो बूस्टर डोज लेंगे कि नहीं उस पे भी संशय होगा। लेकिन सुनिए ना डॉक्टर खान, मैंने क्या कहा कि ठीक है आपकी बात मान ली मैंने कि बीजेपी ने कुछ काम नहीं करा उत्तर प्रदेश में, बेकार काम किया बिल्कुल, नीति आयोग ने 4th नंबर पे रखा है, आपको और पीछे रखना और रख दीजिए। अब सुनिए एक मिनट मेरी बात कि हम नहीं रख रहे हैं। अरे मैंने कहा नीति आयोग ने रखा, आपको और पीछे करना है वो भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था कि नहीं किया था, मुझे बताया। अरे सुनिए तो सही, मैंने आपकी बात, अरे बिल्कुल बर्बाद है, बिल्कुल बर्बाद है, आप सुन तो लीजिए। अरे मैंने कहा बिल्कुल नाकारा है, आगे सुनिए ना, मैंने आपकी बात सारी मान ली। चलिए ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ममता बनर्जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था ना पश्चिम बंगाल में, या वो भी नकारा थी? अरे सुनिए तो सही एक मिनट, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ, शायद आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। भीड़ किसने इकट्ठा कि, अच्छा ममता बनर्जी की रैली में भीड़ ही नहीं आई थी, सिर्फ अमित शाह की और मोदी जी की रैली में आई थी, चुनाव ममता दीदी जीत गए। बनर्जी के रैली में भी भीड़ आई, अच्छा प्रधानमंत्री के रैली में भी भीड़ आई, अच्छा प्रधानमंत्री को ट्रेंड सेट करना चाहिए। मोहम्मद अमीन साहब बहुत देर से हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर
अभी तो आज ऐसा लग रहा है कि आमतौर पर लोग रूठे रूठे रहते हैं चुनाव आयोग से कि उसके लिए अच्छे से काम नहीं किया, उसके बायस जो के काम किया, ईवीएम खराब थी, लेकिन आज सारी पार्टियों ने गेंद जो है चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। रैली रुकवाना, इलेक्शन पोस्टपोन कराना, रैली में कितनी भीड़ आएगी ये तय करना, सब आपका काम है, आप नहीं कर रहे हैं। कल को कोरोना फैलता है तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। चुनाव आयोग, सही बात है आपने कहा कि चुनाव आयोग ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आज़ादी के बाद आर्टिकल जो हमारे संविधान का है उसमें 324 में इलेक्शन कमीशन ही बाउंड है कि वो इलेक्शन कराएगा, वरना संवैधानिक संकट हो जाएगा। उस संवैधानिक संकट को टालने के लिए इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी तैयारियाँ करता है, और तैयारियाँ करने के बाद सबसे पहले हमारे अपोजिशन और गवर्नमेंट सभी के जो भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनको कमीशन 1-to-1 बुलाता है, और बुला के कमीशन अपने सामने उनकी परेशानियां या बातें सब सुनता है जी। और सुनने के बाद फिर वो अधिकारियों को भी बुलाता है, उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं अरेंजमेंट देखने के लिए उनको भी बुलाता है, और उनसे तैयारियाँ पूछता है और उनसे भौगोलिक स्थिति के बारे में जानता है और क्या कहानी वहाँ पर समस्याएं आ सकती हैं उनका भी प्रावधान करने के लिए उन पर चर्चाएं होती हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने ये ओमिक्रॉन के बारे में जो फैली हुई थी कि 5 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन कर दे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने टाइमली उसको अपने हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और हर 5 स्टेट से रिपोर्ट मांगी है कि भाई क्या स्थिति है इस वक्त। आप देखिए इलेक्शन कमीशन कितना कूल तरीके से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, और लेकिन यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं 4 स्टेट में दौरा करके आ चुका है, ये लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की रैली में कितने लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, चुनाव का ऐलान हुए बिना ये फैसला सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है, यानी कि अगर अभी फिलहाल रैलियों पर रोक लगानी है तो मौजूदा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नहीं लगा सकती, इलेक्शन कमीशन ही लगा सकता है। अभी शाइना एनसी जी ये बोल के गई, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, इनको शायद, मैं बता रहा हूँ, इनको शायद नियम का पता नहीं है, जितने नेतागण बैठे इस वक्त पैनल पे हैं इनको ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है उस वक्त चुनाव आयोग की आचार संहिता लग जाती है और उस वक्त चुनाव अधिकार का अपना अधिकार अपना प्रयोग करता है। अब इस वक्त उन स्टेट की बारी है, उन स्टेट के लोगों के अफसरों की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए गुरदीप सप्पल साहब, क्या पंजाब से हम एक बानगी निकलेगी? क्या पंजाब राह दिखाएगा और उसको फिर फॉलो करने के लिए यूपी, उत्तराखंड, गोवा सब लोग मजबूर हो जाएंगे? लेट्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, आप लोग शुरुआत करें। हां पिनाक जी, मैं बहुत देर से अपनी बारी की जी जी बिल्कुल इंतजार में था, आपने एंकर का विशेष अधिकार यूज करते हुए मेरी बात को साइंटिफिक अप्रोच को व्यंग में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने एग्जैक्टली वही बोला जो अभी अमीन साहब ने बोला कि इलेक्शन कमीशन को हेल्थ डिपार्टमेंट से राय लेकर चुनाव के बारे में तय करना होगा और सब पार्टियों को कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। यह इलेक्शन की बात जी। दूसरी बात है रैलीज की, रैलीज के लिए भी स्पष्ट है, जानकारी किसके पास है? जानकारी भारत सरकार के पास है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाकर इस पर कॉमन राय दें, फीडबैक दें। तीसरी बात, हम ये भूल जाते हैं पिछली बार क्या हुआ था, जब 5 राज्यों के चुनाव थे और बंगाल के बचे थे, और जब कुंभ में रिपोर्ट हुआ और एकदम से वेव में, जब वेव बहुत तेजी से बढ़ी, तो अमीन साहब सुन लेते हैं सपल साहब को जी। तो सबसे पहले कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने अपनी रैली कैंसिल करने की घोषणा की उस 19 अप्रैल को, उसके 3 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकी रैली पे बैन लगाया था। आज लोग भूल गए, कांग्रेस ने उस वक्त भी जो किया आपको भी याद नहीं, आपने दर्शकों को याद नहीं दिलाया, किसी को नहीं याद दिलाया। आज ये इशू क्यों उठ रहा है कि इलेक्शन पोस्टपोन होना चाहिए? मैं कह रही हूं मुझे बात पूरी बात कर दीजिए, आज ये इशू क्यों उठ रहा है? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने एक ऑब्जर्वेशन दे दिया, होना चाहिए। उन जज के पास ना तो कोई फीडबैक है, ना उन जज ने कोई गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट पे एक स्ट्रे कमेंट कर दिया। पिछली बार कमेंट किया था कि गाय को आप फंडामेंटल राइट दे दीजिए, पिछली बार ये कमेंट था उनका जो मोदी जी ने अभी तक माना नहीं। तो खुद प्रधानमंत्री ने बोला परसों जब देश के नाम संदेश दिया कि आप ख्याल कीजिए, लेकिन उन्होंने जो शब्द यूज किया था मुझे वो, कि बहुत ज्यादा इस पे अलार्म मत क्रिएट कीजिए, उन लोगों से बचिए। ये शायद कोर्ट की तरफ भी इशारा था उनका। सवाल ये है कि आज की तारीख में थर्ड वेव दस्तक दे रहा है,
ये राजनीति का विषय है ही नहीं। वही तो पूछ रहे गुरदीप सिंह सप्पल साहब, बहुत अच्छा किया आपने मुझे याद दिलाया कि कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने सबसे पहले अपनी रैलियां, जो है चुनाव आयोग ने तो बाद में बैन लगाया था, उन्होंने सबसे पहले सीओ मोटो लेते हुए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने कहा कि हम रैली नहीं करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई उसके लिए, तारीफ आपको। लेकिन क्या यही एग्जाम्पल, यही लीड फ्रॉम द फ्रंट, यही बड़प्पन या यही पहल हम पंजाब से उम्मीद रखें कि भाई चलिए ठीक है केंद्र सरकार जो करेगी करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी तो अपना डेटा है ना, मोदी जी के पास डेटा आ रहा होगा तो वो चन्नी साहब के पास भी आ रहा होगा, वो योगी साहब के पास भी आ रहा होगा, तो क्या कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेंगे? लेट मी करेक्ट यू, दुरुस्त कर दूं, एनटैगी जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, सारी एजेंसी जो रिसर्च की है, जो जीनोम की सीक्वेंसिंग की एजेंसी, सब केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यानी राज्यों को कोई डेटा ही नहीं देता है, सब राज्यों को कोई डेटा नहीं देता है, राज्य अपनी मर्जी से पैसा लेते हैं कि 200 लोग होंगे फंक्शन में, धारा 144 लगेगी, कर्फ्यू लगेगा, राज्यों को कुछ नहीं पता होता। जी नहीं, जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा मैं कह रही हूँ राज्यों से शेयर नहीं होता, आप ये कह रहे हैं, राज्य बेचारे उनको कुछ नहीं पता, फिर भी वो 144 लगा देते हैं, नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है गुरदीप जी, समग्र रूप से देखिए गुरदीप जी, मास्क पहनने में रैली में मास्क पहनने से कौन रोक रहा है, मुझे आप एक बार बता दीजिए, कौन सा ऐसा डेटा है? आप सारे लोग रैली कर रहे हैं, मास्क क्यों नहीं पहनते? एक नेता क्यों नहीं बोलता मास्क पहनो? कौन सा नेता है ऐसा जिसने बोला पिछली 4 रैलियों में कि मास्क पहनिए? पब्लिक में मैसेज क्या जाता है? आप ये समझिए सर, लीडर है, अगर अगर मोदी जी बोलते हैं थाली बजाओ तो देश के 90 करोड़ लोग थाली बजाते हैं, अगर मोदी जी रैली से बोलेंगे कि मास्क पहनो और दूर दूर रहो तो मास्क पहनेंगे, जब आप लोग बोलते हैं तो देश चलता है, ये बात समझिए, पब्लिक आपको फॉलो करती है, आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पूरे देश में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। आपने कहा स्वच्छता अभियान, लोग स्वच्छता अभियान में गए, आपने कहा टीका करो, टीकाकरण के लिए गए, किसी ने नहीं पूछा कितने साइड इफेक्ट नहीं, आपकी बात मानते हैं, दो लाख। चलिए, नेताओं के कहने पर अगर ठंड में झांसी में लड़कियां लड़ सकती हूँ कैंपेन के लिए, मैराथन करती हुई नजर आ सकती हैं, मोदी जी के एक बार कहने पर लोग जो है ताली थाली बजाते हुए नजर आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नेताओं को भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा। विप्लव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयराम विप्लव जी, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं पीछे जयपुर की रैली में था, मंच से लगातार ये इंश्योर किया जा रहा था कि लोग मास्क पहने, कई बार इंश्योर करने के सर जब झंडे बांटे जाते हैं तब उसकी जगह मास्क भी बांटते तो अच्छा रहेगा, झंडे बांटते हैं वहाँ पे बहुत सारे, मैं देखती हूँ सबको हाथों में मास्क पकड़ाए जाते हैं, कभी किसी नेता के चेहरे के, कभी किसी नेता के चेहरे के, मास्क भी बांटे तो अच्छा रहेगा। बहरहाल, और नेता तो खुद ही मंच पे बैठ के मास्क नहीं लगाते हैं आधे। हमारे साथ जयराम विप्लव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव जी, यहाँ पर क्या वाकई में केंद्र सरकार और मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? और खासतौर से केंद्र सरकार की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि यहां पर जब ऐसी आपदा की स्थिति होती है तो आपके पास स्पेशल राइट्स होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव जो आने वाले समय में चुनाव होने हैं उसके बाद बाकी चीजों की जिम्मेवारी से केंद्र सरकार या राज्य सरकार बच जाएगी, तो ओवरऑल जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हो या देश के हालात की जिम्मेवारी हो वो तो राज्य सरकारों पर और केंद्र सरकारों पर ही निर्भर करता है। तो एक सरकार में रहने के नाते किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी जिम्मेवारी से कोई पल्ला नहीं झाड़ रहा है, और बीते 7 वर्षों में खासकर कोरोना काल में अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखेंगे और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर योगी जी को देखेंगे, जिम्मेवारियों को समझते हुए मजबूती से अपना काम किया। देखा था आपने? नहीं पिनाक जी, देखिए क्या है कि अगर आप बिल्कुल देखा था, अगर आप और सुनिए, मैं योगी जी के रोड शो की बात नहीं कर रही हूँ, प्रियंका गांधी की झांसी में जो रैली थी ना, वो मैराथन जो थी वो भी देखी थी सबने, बड़ी ट्वीट की थी उसकी फोटोग्राफ सबने, सबके लिए कह रही हूँ, अखिलेश जी के वो रोड शो पे वो जब छत पे चढ़ जाते हैं अपने रथ की और फिर वो जो भीड़ आसपास इकट्ठी होती है वो भी सब ध्यान से देखिए, सबको दिखा रही हूँ मैं, ये सब आप लोग देखते हैं ना। तो विप्लव जी मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, देखिए त्यागी जी बिल्कुल देखते हैं और मैं सबको सुन रहा था जिस प्रकार तो फिर देखते हैं तो कुछ करते क्यों नहीं सर?
जिस प्रकार से मैं सुन रहा था अपने साथी दलों के मित्रों को भी सुन रहा था वो एक दूसरे नहीं, इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है सर कि रैलियों में इतनी भीड़ इकट्ठी होने दे रहे हैं आप लोग। सवाल तो बिल्कुल जायज है, मैं आपके सवाल से सहमति रखता हूं। सहमत है तो कौन करेगा सर, मेरे पास सवाल पूछने का हक है, बतौर पत्रकार हूं मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूं, लेकिन आपको बतौर सरकार में बैठते हुए आपको कुछ कठोर फैसले लेने होंगे और आप ही को लेने होंगे क्योंकि आप सरकार में हैं। निश्चित तौर पर लीड फ्रॉम जब जो फैसले लेने होते हैं हमने कड़ाई से उन फैसलों को लिया भी है। कोई मान सकता था क्या इस देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है, जनता कर्फ्यू जैसी बात को लोग मानेंगे तो ये सारे और उसी जनता कर्फ्यू की धज्जियां उड़ गई थी जब चुनाव आए थे सर, पंचायत चुनाव में क्या हुआ था, बंगाल चुनाव में क्या हुआ था, मतलब मेरे को अपने घर के किसी शख्स की मौत भी हो जाए तो भी वहां पर 40 आदमी बुलाने, 60 बुलाने, 100 बुलाने उसके लिए तय है सब कुछ। मैं अपने बंदे को आखिरी बार देख पाऊं या ना देख पाऊं, अपने किसी अजीज की शादी में शामिल हो पाऊं या ना हो पाऊं, ये बतौर नागरिक मेरे पे सारे बंदिशें थी पिनाज जी। लेकिन रैली के लिए कोई बंदिश नहीं थी सर, मैं भी वोटर हूं सर, क्या बीतती है मेरे मन पे कि वोट करने के लिए सब कुछ ठीक। मैं आपकी भावनाओं की भी कद्र करता हूं और आपके आपके सवाल की भी सराहना करता हूं, लेकिन आप ये हास्यास्पद स्थिति इसी जगह देख लीजिए। मैं लगातार अपने मित्रों को सुन रहा था, बाकी लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो मंगल ग्रह से आए हैं, उनके ओर से कोई रैली नहीं हो रही है, वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। सत्ता की कुर्सी पर आप बैठे हैं इसीलिए वो मंगल ग्रह से आए हो कि नहीं आए हो, मैंने आपसे कहा ना समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, सप्पल साहब की पार्टी सत्ता में पंजाब में है, मैंने उनसे पूछा कि पंजाब में क्या करेंगे, आप लोग तो केंद्र में और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है वहां पर भी आप ही सत्ता में, उत्तराखंड में भी आप ही सत्ता में, तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बन रही है ना, इसीलिए सवाल भी आपसे ज्यादा हो रहे हैं। मैं माफी चाहूंगी, मेरे को यहाँ पर सबकी रैलियों में भीड़ और सबकी रैलियों में उल्लंघन दिखता है, लेकिन आपकी है तो इसीलिए आपसे सवाल ज्यादा होंगे। जो जिम्मेवारी है सरकार उसको पूरा करेगी और सरकार अपनी जिम्मेवारी से एक इंच भी पीछे नहीं हटने जा रही है। चुनाव कब होंगे, चुनाव कैसे होने चाहिए और उसकी संवैधानिक बाध्यताएं क्या हैं, ये सभी लोगों को पता है, इसलिए चुनाव आयोग को क्या दिशा निर्देश देना है उसकी जानकारी भी अमीन साहब ने दे दी, उनसे ज्यादा निष्पक्ष जानकारी तो अमीन साहब ने बता दिया कि चुनाव कैसे होते हैं, लेकिन चुनाव से पहले अगर आप एक आम आदमी की जिंदगी के तमाम नियम कायदे तय कर सकते हैं तो नेता भी आम आदमी होता है साहब, उसके लिए भी कुछ नियम कायदे तय कर दीजिए अच्छा लगेगा। जिम्मेवारी तो हमारी भी है, मैंने कहा ना कि नेता भी आम आदमी होता है ना सर, उसके लिए भी कर दीजिए ना, एक आम आदमी की बेटी की शादी के लिए आपने नंबर ऑफ लोग डिसाइड कर दिए, एक बच्चा स्कूल में पढ़ेगा कि नहीं उसके लिए भी आपने गाइडलाइंस बता दी, स्कूल कब खुलेगा कि नहीं उसके लिए भी बता दिए, तो रैली के लिए चुनाव आयोग का मुंह क्यों टकटक आ रहे हैं। चलिए ऑडियंस हमारे साथ एक जुड़ी हुई है, अरविंद कुमार त्रिपाठी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, क्या मामला वाकई में सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ही आपको लग रहा है कि उन्हीं की जिम्मेदारी है, मौजूदा सरकारें उनकी कोई वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते? जी पहले तो मैं आपका हार्दिक शोक मतलब आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने नेशनल चैनल पर बुलाया, और मैं इस संदर्भ में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज की डेट में हर व्यक्ति की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है और उसको सोच के समझ के कदम उठाना चाहिए। और होता क्या है कि हम सारी चीजें अपेक्षित करते हैं कि नेता हमें बताए और नेता ही हमें समझाए, जबकि हम स्वयं से जो है अपने आप को संयमित करके सारी चीजों का कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, करना भी चाहिए। चलिए रैली होती रहनी चाहिए, स्वयं पे काबू रखना चाहिए, बहुत ही नैतिक बात की है, बहुत अच्छी बात की है, लेकिन फिर हम लोग क्यों मानते हैं अपनी शादी ब्याह में नेताओं का लगाया हुआ कानून, सरकार का बना हुआ कानून या फिर नाइट कर्फ्यू का कानून। छोटे से ब्रेक लिए यहाँ रुक रही हूँ, ब्रेक के बाद आशुतोष जी के पास भी चलूंगी और अमीन साहब के पास भी चलूंगी, क्या वाकई में मौजूदा सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती हैं, क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में है, क्या वाकई में डेटा का इंतजार करना होगा या सियो मोटो एक्शन नहीं लिया जा सकता है इंटरनेशनल जो हालात हैं उनको देखते हुए, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे और क्या कोर्ट की भी कोई भूमिका हो सकती है इस पर भी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।